उत्तर प्रदेश में बुलडोजर से जो एक्शन शुरू हुआ है उस पर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि नियमों के मुताबिक ही कार्रवाई हो रही है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में हिंसा के आरोपियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाकर उनको ढाया गया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट में जमायत उलमाए हिंदू याचिका दाखिल पर बुलडोजर एक्शन का विरोध किया था। इसमें यूपी सरकार ने जमीयत उलमाए हिंद के आरोपों को गलत बेबुनियाद बताया है। सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि इस मामले में कोई भी प्रभावित पक्ष कोर्ट में नहीं आया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस सभी आधार पर जमीयत की याचिका खारिज करने की गुहार लगाई है। उत्तर प्रदेश के विशेष सचिव गृह राकेश कुमार मालपानी सुप्रीम कोर्ट में सबूतों के साथ 62 पेज का हलफनामा दिखाया है, जिसमें 11 पेज हलफनामे हैं। हलफनामे के साथ घर पर लगा राजनीतिक दल का साइन बोर्ड, नोटिस, सभी चीज़ें कोर्ट को भेजी गई हैं। हलफनामे में कहा गया है कि बुलडोजर चलाकर अवैध रूप से निर्मित संपत्ति ढाई गई है। आपको बता दें, प्रयागराज में जावेद पम के घर को ढाया गया था, उस पर हिंसा की साजिश रचने का आरोप था। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN। Thank you.